नमस्कार, मैं हूं अनमन पुनिया और आप देख रहे हैं अपनी न्यूज़। पिछले हफ्ते चोपटा तहसील के पटवारी राहुल के खिलाफ एक किसान ने इंतकाल दर्ज करने की एवज में रिश्वत मांगने का आरोप लगाया था और उसकी एक ऑडियो भी वायरल उस किसान की तरफ से की गई थी, जिसके अंदर स्पष्ट वह पटवारी जो है वो रिश्वत के पैसे लिए जाने की हाँ कर रहा था और वापस पैसे देने की भी वो यस कर रहा था। तो अब उस मामले के अंदर उस पटवारी के ख़िलाफ़ हमें कुछ वीडियो और मिले हैं, हालांकि वो वीडियो करीब 2 साल पहले के हैं और तब उनके पास डवाली तहसील के गांव जांडवाला जाटान का चार्ज था और वहां पर 2 साल पहले मुआवजा राशि सरकार की तरफ से दी जा रही थी और उसके अंदर बाकायदा उन्होंने करप्शन का किस लेवल पे उन्होंने ये किया कि बाकायदा उन्होंने गांव के जो गुरुद्वारा है उससे अनाउंसमेंट तक करवा दी थी और अनाउंसमेंट में ये बोला गया कि जिस भी किसान के जो मुआवजा आने वाला था वो आ चुका है और जितना मुआवजा है उसका 50% वो पटवारी को जमा करवा दें। देखिए ये वीडियो, जिसके अंदर पटवारी खुद अपने एक असिस्टेंट से बात कर रहा है और उसके माध्यम से किसानों को वो फ़ोन पे कह रहा है कि कितने उनका पैसा आया है और कितने वो वापस उसको जमा करवाने हैं। ते अपने पटवारी साहब आए बैठे थे इत्थे घरे, छोटा मुआवजा आया गा ते मायले है मंदर सिंह दा, महेंद्र दा महेंद्र दा आया हुआ है 5000 के ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਦੱਸਤਾ ਤੇ ਉਸ ਚ ਅੱਧੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਪਸ ਪਟਵਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪਊਗਾ ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਊਗਾ ਇਹਦਾ 5000 ਰੁਪਇਆ ਖਾਤੇ ਚ। ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦਾ ਵੀ ਦੱਸ ਦੇਣਗੇ। ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਆ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਆਉਂਗੇ ਆ ਜਾਓਗੇ ਅੱਜ ਅੱਜ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਈਦਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਅੱਜ ਹੀ ਹੋਊਗਾ ਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਠੀਕ ਆ ਤੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਭੇਜਣੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਸੇ। अब इस मामला जब ये तूल पकड़ गया तो उसके बाद गांव के अंदर बाकायदा पंचायत हुई और पंचायत के अंदर पटवारी पर जो आरोप किसानों ने लगाए थे उन आरोपों को, हालांकि पटवारी उस टाइम उस वीडियो जो दूसरी वीडियो है उसमें वो हालांकि अपने जो आरोप है उसको निराधार बता रहा है, लेकिन पूरे के पूरे गांव के लोग जो हैं उस आरोप को सही बताते हुए उस पर कार्रवाई की मांग कर रहे थे। ਕੱਲ ਮੇਰਾ ਫਾਰਮ ਲੈ ਕੇ ਪਟਵਾਰੀ ਭਰ ਕੇ 10000 ਰੁਪਇਆ ਲੈ ਗਿਆ ਉਹਦਾ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਜੱਗੇ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਂ ਕਿਹਾ 7 ਪੈਣੇ ਕਾ ਤੜਕੇ ਲੈ ਜੀ
ਮੈਥੋਂ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪੁੱਛ ਲਓ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਕਢਾ ਲਓ ਮੈਂ ਦਿੱਤਾ ਦੱਸ ਪਟਵਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਜੈਸੇ ਬਸ ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦੇ ਪਟਵਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੋਈ ਸੀ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਲਗਾਈ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋ ਠੀਕ ਹੈ ਔਰ ਆਪ ਕਿਉਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਚੂਸ ਲੈ ਕੇ ਤੁਲੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਬਤਾ ਦੋ अभी ये लोग ये किसान कह रहे मेरा मित्र है क्या मेरा कोई मामा नहीं लगता ये जरूर बैठे यार तुम लोग कुछ तो शर्म कर लो यार। और बताया जा रहा है कि उस मामले के बाद में पटवारी राहुल का वहां से तबादला कर दिया और अब पटवारी राहुल पिछले करीब 6 महीने से चोपटा तहसील के अंदर यहाँ कार्यरत है और करीब 2 महीने पहले तक गुड़ियाखेड़ा गांव का चार्ज था और 1 हफ्ते पहले गुड़ियाखेड़ा गांव के किसान नरेश बिजारनिया ने उस पटवारी पर आरोप लगाया कि करीब 6 महीने पहले उन्होंने पटवारी को इंतकाल दर्ज करने की एवज में 1250 रुपये दिए थे और ना तो पटवारी ने इंतकाल दर्ज करवाया और ना ही उसके पैसे जो है वो वापस दिए गए। अब देखना ये होगा कि प्रशासन इस तरह के जो करप्ट जो कर्मचारी हैं उन पे क्या कार्रवाई करता है। कैमरामैन संदीप वर्मा के साथ हनुमान पूनिया।